Hello everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guild. Students, today in this video we are going to start the second chapter of unit 1, class 2nd English. Class 2nd English ke unit 1 ka jo chapter hai aapka, Haldi's Adventure. Aaj hum isko samajhne wale hain. Adventure matlab hota hai koi saahas bhara kaam karna, jisme ki himmat ki zarurat ho aapko, himmat wala koi kaam karna. To dekhte hain, Haldi jo hai, ये एक लड़की है जो मेन कैरेक्टर है आपके चैप्टर का. इसने कौन सा ऐसा एडवेंचरस वर्क किया है, कौन सा ऐसा एडवेंचर वाला काम किया है, ये तो हम जब पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा. ये पहली वीडियो है इसकी. इसमें चैप्टर में जो कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स यूज हुए हैं, सबसे पहले हम उनके मीनिंग समझेंगे, यानी कि सबसे पहले वर्ड मीनिंग करेंगे. उसके बाद चैप्टर रीड किया जाएगा और ये चैप्टर मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूँगी. ओके, क्वेश्चन आंसर्स हम लोग इससे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. अगर कोई भी बच्चा नया है चैनल पर तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए. वीडियो के नीचे देखिए राइट साइड में रेड कलर से लिखा होगा सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि नेक्स्ट टाइम कोई भी वीडियो आपकी क्लास की आती है तो वो आप मिस ना करें. ओके, सो द फर्स्ट वर्ड इज जिराफ. जिराफ आप जानते हैं एक एनिमल होता है जिसकी गर्दन बहुत ज़्यादा लंबी होती है, उसे जिराफ कहते हैं, एनिमल विद लॉन्ग नेक. सेकेंड वर्ड इज मेट. मेट मीट से बना है, मीट करना, मिलना. ग्लासेस, जो कई बच्चे चश्मा जो लगाते हैं उनको ग्लासेस बोलते हैं, स्पेक्टिकल्स, स्पेक्स भी बोलते हैं आप. स्टेयर, किसी को स्टेयर करना मतलब घूरना, जब आप कांस्टेंट एक ही जगह पे देखते रहते हैं उसको स्टेयर करना स्टेयरिंग बोलते हैं. नेक्स्ट इज व्हेनेवर. व्हेनेवर मतलब जब भी. सरप्राइज करना किसी को, यानी कि कुछ ऐसा काम करना जिसको देख के सुन के दूसरा व्यक्ति जो है वो आश्चर्यचकित हो जाए. रिमेंबर याद करना. लेट हो जाना, टाइम पर ना आना. रश मतलब होता है भागना, जल्दी में चलना. राइड करना, सवारी करना किसी जानवर की या किसी साइकिल या किसी ऐसी चीज़ की, टू व्हीलर पे जब आप जाते हैं तो उसको राइड करना बोलते हैं. नेक्स्ट इज क्लाइंब. क्लाइंब मतलब होता है ऊपर चढ़ना. स्टार्स मतलब तारे. लॉट्स ऑफ मतलब होता है बहुत सारी. टॉप ऊपर. बिफोर पहले. प्लेग्राउंड खेल का मैदान जिसमें आप खेलते हैं. वंडरफुल बहुत अनोखी चीज़ें. एडवेंचर जैसे आपको पहले भी बताया, कोई साहसिक कार्य है, कोई हिम्मत वाला काम जो है उसको एडवेंचर कहते हैं. तो ये आपके कुछ नए वर्ड्स हैं, एडवेंचर, हिम्मत वाला काम, प्लेग्राउंड खेल का मैदान, बिफोर पहले, लॉट्स ऑफ बहुत सारी, क्लाइंब चढ़ना ऊपर चढ़ना, जिराफ एनिमल होता है एक, ग्लासेस चश्मा, स्टेयर घूरना, व्हेनेवर जब भी, सरप्राइज अचंभे में आ जाना, नेक्स्ट इज सरप्राइज हो जाना, नेक्स्ट इज राइड किसी जानवर पर या फिर साइकिल टू व्हीलर पर सवारी करना. ओके, एक बार पॉज करके आप चाहो तो दोबारा न्यू वर्ड्स को देख लो, क्योंकि जितने अच्छे से आपको ये वर्ड समझ में आएंगे उतना ही अच्छे से आपको फिर चैप्टर समझ में आएगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. अब यूनिट 1 चैप्टर 2 हल्दीज एडवेंचर. वन मॉर्निंग एज हल्दी वॉक्ड टू स्कूल, She met a giraffe. The giraffe wore big glasses and held a book in his hand. He smiled and said, "Good morning, Haldi." One morning, एक दिन सुबह क्या होता है? As Haldi walked to school, जब हल्दी स्कूल जा रही होती है, she met a giraffe. वो क्या करती है? एक जिराफ से मिलती है. द जिराफ वोर बिग ग्लासेस. जिराफ ने बड़े से ग्लासेस, चश्मे पहने हुए होते हैं. एंड हेल्ड अ बुक इन हिज हैंड, और उसके हाथ में एक बुक भी होती है. ही स्माइल्ड, वो स्माइल करता है, हंसता है थोड़ा सा. एंड सेड, और कहता है, मुस्कुराता है मतलब, और कहता है गुड मॉर्निंग हल्दी. हल्दी को गुड मॉर्निंग विश करता है. ये देखिए, आप पिक्चर में देख भी सकते हैं, ये जिराफ है. ये देखिए, इसने ग्लासेस पहने हुए हैं और इसके हाथ में एक बुक है. हल्दी लुक्ड अप एट हिम. आई एम सॉरी to stare, she said, but I have never met a giraffe like you. Haldi looked up. Haldi ऊपर देखती है, क्योंकि आप जानते हैं बच्चा छोटा है और जिराफ क्योंकि बहुत लंबा होता है तो उसको देखने के लिए उसको ऊपर देखना पड़ेगा. वो उसकी तरफ देखती है ऊपर और कहती है, I'm sorry, माफ करना, to stare, कि मैं तुम्हें देख घूर रही हूँ. She said, but I have never met a giraffe like you. लेकिन मैंने तुम्हारे जैसा जिराफ कभी देखा ही नहीं. आप भी कभी कोई ऐसी चीज़ देखो जो आपने कभी पहले ना देखी हो, तो आप उसको देखते ही रहते हैं, घूरते रहते हैं. तो ऐसे ही इस जिराफ को घूर रही है, क्योंकि उसने ऐसा जिराफ देखा नहीं जो चश्मा लगाता हो, हाथ में बुक लेता हो और गुड मॉर्निंग विश करता हो आपको. माई नेम इज़ स्माइली, सेड द जिराफ.
Whenever you see me, you will smile. तो जिराफ कहता है My name is Smiley. जिराफ का नाम क्या है? Smiley है. Whenever you see me, जब भी तुम मुझे देखोगी, you will smile. तुम क्या करोगी? Smile करोगी. तो इसलिए मेरा नाम क्या रख दिया है लोगों ने? Smiley, क्योंकि जब भी वो मुझे देखते हैं वो मुस्कुराते हैं, smile करते हैं. Haldi was surprised and happy too. हल्दी जो है वो एकदम सरप्राइज हो जाती है और लेकिन वो खुश भी होती है. Then she remembered. फिर उसको याद आता है. क्या याद आता है? That she would be late for school. So she said to the giraffe, I would love to talk to you, but I must rush to school or I will be late. तो वो क्या कहती है? तभी उसको याद आता है कि she would be late for school, कि वो तो स्कूल के लिए लेट हो जाएगी. So she said, तो वो कहती है to the giraffe, फिर वो जिराफ से कहती है I would love to talk to you. मुझे बहुत अच्छा लगेगा तुमसे बात करना, मैं तुमसे बात करना पसंद करूँगी, लेकिन but I must rush, लेकिन अब मुझे दौड़ना होगा, rush करना होगा, जल्दी जाना होगा to school. कहाँ पर? स्कूल में. और या क्या होगा? I will be late. अगर मैं जल्दी नहीं गई तो मैं लेट हो जाऊँगी. हल्दी कहती है कि मैं तुमसे बात करना चाहूँगी, बात करना मुझे अच्छा लगेगा, लेकिन अभी मुझे स्कूल जाना है, क्योंकि मैं अगर नहीं गई तो मैं फिर लेट हो जाऊँगी. द जिराफ सेड नॉट इफ़ यू राइड ऑन माई बैक. इफ़ यू क्लाइंब ऑन माई बैक आई विल रन सो फास्ट दैट यू विल फील यू आर फ्लाइंग टू स्कूल. डू यू गो टू स्कूल एवरी डे? तो जिराफ कहता है नॉट इफ़ यू राइड ऑन माई बैक. तुम लेट नहीं होगी अगर तुम क्या करो? मेरी बैक पे राइड करो. अगर तुम मेरी बैक पे सवारी करोगी, मेरी बैक पे चढ़ के स्कूल में जाओगी, तो तुम बिल्कुल भी लेट नहीं होगी. इफ़ यू क्लाइंब ऑन माई बैक, अगर तुम मेरी बैक पे क्लाइंब कर जाओ, चढ़ जाओ, आई विल रन सो फास्ट, मैं इतनी तेज़ दौड़ूंगा, दैट यू विल फील, कि तुम्हें ऐसा लगेगा, ऐसा महसूस होगा, ऐसा तुम फील करोगी, यू आर फ्लाइंग टू स्कूल, कि तुम उड़ के जा रही हो स्कूल, इतना तेज़ मैं दौड़ूंगा. डू यू गो टू स्कूल एवरी डे? क्या तुम रोज स्कूल जाती हो? यस सेड हल्दी, आई गो टू स्कूल ऑन मंडेज, ट्यूजडेज, वेनसडेज, थर्सडेज एंड फ्राइडेज. ऑन सैटरडे आई प्ले गेम्स एट स्कूल. तो हल्दी उसको बताती है हाँ मैं तो रोज स्कूल जाती हूँ. आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाती हूँ ऑन मंडेज, मंडेज को, ट्यूजडेज को, वेनसडेज को, थर्सडेज को और फ्राइडेज को. और सैटरडे में क्या करती हूँ? आई प्ले गेम्स एट स्कूल. जैसा आपका सैटरडे फंडे होता है, ऐसे हल्दी का भी हो सकता है फंडे होता हो. मंडे टू फ्राइडे वो पढ़ते हैं और सैटरडे को फिर गेम्स खेलते हैं. वॉट डू यू डू इन स्कूल? आस्क द जिराफ. तो जिराफ पूछता है तुम स्कूल में क्या करती हो? वॉट डू यू डू देयर? आई लर्न अबाउट स्टार्स, द ट्रीज, द बर्ड्स एंड द एनिमल्स. तो हल्दी बताती है कि मैं स्कूल में सीखती हूँ. लर्न करना मतलब सीखना. किसके बारे में? स्टार्स के बारे में, तारों के बारे में सीखती हूँ, ट्रीज, पेड़ों के बारे में सीखती हूँ, बर्ड्स एंड एनिमल्स के बारे में भी चीज़ें बताते हैं, सीखा जाता है, सिखाया जाता है. दिस इज़ गुड सेड द जिराफ, आई लव बुक्स टू, दे आर लॉट्स ऑफ फन, नाउ जम्प ऑन माई बैक, आई विल टेक यू टू स्कूल. That is good. ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपको ये सब सिखाया जाता है स्कूल में. Said the giraffe. जिराफ कहता है I love books too. मुझे भी बुक्स बहुत ज़्यादा पसंद है. जैसा हमने देखा जिराफ के हाथ में शुरू में भी एक बुक थी. They are lot of fun. बुक्स जो है वो बहुत फन है. बुक्स में बहुत सारी चीज़ें क्योंकि आपको सीखने को मिलती है, बहुत मज़ा आता है. Now jump on my back. अब तुम मेरी बैक पे जंप कर जाओ, चढ़ जाओ. I will take you to school. और मैं तुम्हें स्कूल ले जाऊँगा. Haldi then jumped on the giraffe's back and found that she could see so many things from the top. And before she knew it, she had reached the school playground. She climbed down. When she turned back to thank the giraffe, she found that he had gone away. तो हल्दी क्या करती है फिर?
जंप कर जाती है ऑन द जिराफ्स बैक, जिराफ की बैक पर, उसकी कमर पे वो चढ़ जाती है. एंड फाउंड दैट, और उसे ये पता लगता है, शी कुड सी सो मैनी थिंग्स फ्रॉम द टॉप, कि वो टॉप से बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं, क्योंकि जिराफ बहुत लंबा होता है, तो उसकी पीठ पे जब वो बैठती है, उसकी कमर पे जब वो बैठती है, तो उसे बहुत सारी चीज़ें वहाँ से दिखाई देती है. एंड बिफोर शी न्यू इट, और इससे पहले कि वो सब चीज़ें देख पाए, जान पाए, शी हैड रीच स्कूल्स प्लेग्राउंड, वो इतने में स्कूल के प्लेग्राउंड में पहुँच भी जाती है. मतलब इतना तेज जिराफ दौड़ता है कि इससे पहले वो सब चीज़ें देखे, वो स्कूल प्लेग्राउंड में पहुँचा देता है उसको. उसने कहा भी था कि मैं इतना तेज़ दौड़ूंगा तुम्हें लगेगा कि तुम उड़ रही हो, है ना, वही होता है. शी क्लाइम डाउन, वो नीचे उतरती है. वेन शी टर्न बैक, और जब वो मुड़ती है टू थैंक द जिराफ, जिराफ को थैंक यू बोलने के लिए, शी फाउंड दैट ही हैड गॉन अवे, उसे पता लगता है कि जिराफ तो चला गया है. जब वो मुड़ती है उसको थैंक यू कहने के लिए कि तुमने मुझे इतनी जल्दी स्कूल पहुँचा दिया, तो वो देखती है कि जिराफ जा चुका होता है, उसको वो वहाँ पर दिखाई ही नहीं देता. ओ हल्दी थॉट, वॉट अ वंडरफुल एडवेंचर आई हैव हैड. फिर हल्दी सोचती है कि अरे वाह, कितना वंडरफुल एडवेंचर आज मैंने किया, बहुत ही वंडरफुल, बहुत ही अच्छा एडवेंचर, साहसी कार्य. बिल्कुल उसकी कमर पे बैठ के राइड करना, किसी भी एनिमल के, अगर आप बैठे हो कैमल की पीठ के ऊपर कभी, तो आपने देखा होगा बहुत ऊँचा लगता है, और ये तो वैसे भी इतना फास्ट दौड़ रहा था स्कूल जाने के लिए, तो उसको बहुत ही मज़ा आया इसमें. ओके, सो दैट्स ऑल, ये था आपका चैप्टर, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा. इसके नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स कवर करेंगे. सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स.